जनाब मेरा नाम इरशाद अहमद है। ये एम्बुलेंस में हम 12 बजे से बच्चे को बैठा के रखा है। ये 12 बजे से हम बैठे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि आपको गाड़ी देंगे। ऑपरेशन हुआ है मेरी मिसेज का, लेकिन इन्होंने अभी तक हमको 2:30 बज गए, लेकिन मैंने सीएमओ के पास गया, ड्राइवर को बोला, ड्राइवर में फिर मैं सीएमओ ने बोला कि आपको अभी 2 घंटे और इंतज़ार करने हैं, फिर आपको गाड़ी मिलेगी। ये हाल है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला का, कि कैसे ये गवर्नमेंट एक तरफ से फैसिलिटी दे रही है और दूसरी तरफ से ये हमें तंग कर रहे हैं। ये एम्बुलेंस है, हम डिलीवरी के से ऑपरेशन हुआ है, लेकिन 12 बजे इनको डॉक्यूमेंट्स दिए, 2 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक, और बीएमओ यहां का जो है सीएमओ बोल रहा है कि आपको गाड़ी जो है 2 घंटे के बाद जाएगी, क्योंकि और हमारा पेशेंट यहां, इसको ये आप देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस में बच्चा है। चार एम्बुलेंस मौजूद होने के बावजूद भी इन्होंने गाड़ी प्रोवाइड नहीं की हमें, अभी तक बैठे हुए हैं हम। हमने अब प्राइवेट गाड़ी की, तो हम उड़ी की ओर जा रहे हैं।